ओके बेटा, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे थ्रस्ट एंड प्रेशर पर डेंजर न्यूमेरिकल्स। ठीक है, कल हमने देखा था कि थ्रस्ट क्या होता है और प्रेशर क्या होता है। तो प्रेशर क्या होता है बताइए आयुष, प्रेशर क्या है? अ फोर्स एग्जर्टेड ऑन अ पर्टिकुलर एरिया। प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है एफ अपॉन ए, है ना, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। मतलब किसी भी एरिया में, मतलब किसी भी एरिया जो भी फोर्स लग रहा है कितने एरिया में लग रहा है तो इस पर डिपेंड करता है, मतलब प्रेशर पे। ठीक है, उसके बाद हमने ये भी देखा था कि अगर आपका एरिया लार्ज होगा तो आपका प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और अगर आपका एरिया कम है तो उस कंडीशन में आपका प्रेशर क्या होगा, लार्ज होगा। ठीक है ना, उसके बाद हमने देखा था थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या होता है बेटा? थ्रस्ट होता है कि आपका जो फोर्स है वो कैसा लग रहा है, परपेंडिकुलर। ठीक है, फोर्स अगर आपका परपेंडिकुलर लगता है तो वो होता है थ्रस्ट। तो ये सब हम डिटेल में कल देख चुके थे, आज हम करने वाले हैं इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। तो आपकी एनसीईआरटी बुक के हम क्वेश्चन ले रहे हैं, तो आपकी एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन दिया गया है, आइए उसे देखते हैं। क्या दिया हुआ है कि अ ब्लॉक ऑफ बोर्ड इज कैप्ट ऑन अ टेबल टॉप। मैं यहाँ पे ड्रॉइंग बनाती हूँ, वेरी इंटरेस्टेड। ओके बेटा, देखिए आपको क्या बोला गया है, एक टेबल टॉप है, मतलब एक टेबल है। ठीक है, and 40 cm.
Yes, ma'am. ये ना फोर्स मतलब है और वेट का फॉर्मूला हमें देखा था कि वेट किस पर डिपेंड करता है मास पे है ना और इस पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स करता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स को किस पर करते हैं स्मॉल जी से ठीक है और मतलब उस ऑब्जेक्ट में कितना उस ऑब्जेक्ट में कितना वेट है मतलब कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो किस पे डिपेंड करेगा मास इनटू जी जी आपका क्या है एक्सेलरेशन मतलब कितना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ठीक है चलिए निकाल लेते हैं कितना हो गया ये मास आपका हो गया कितना 5 ये जी कितना है मेरे को लगा था पहले भी याद रखती है क्या है एक ही टेबल पे लग रहा है तो दोनों का जो एक्सेलरेशन होगा ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा 9.8 तो होगा नहीं यहां पर तो 9.8 ये क्या है और ये आपका पीजी है यूनिट है क्या जब बेटा इसको सॉल्व करोगे 99.8 × 5 = 45 + 45 + 4 = 49.0 मतलब आपका आंसर आ जाएगा 49 40 में क्या होती है न्यूट्रॉन समझ में आया तो ये क्या आ गया बेटा हमारा समझ गया नहीं आप सभी को ओके बेटा अब क्या निकालना है आपको एरिया एरिया फोर्स में टेंशन में क्या चाहिए था फोर्स तो फोर्स हम निकाल चुके हैं अब क्या चाहिए बेटा एरिया तो हम यहाँ पर एरिया कैसे निकालेंगे जितना जितना जो वुडन ब्लॉक है आपका उसका कितना पार्ट टेबल से कनेक्टेड है तो आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट कनेक्टेड है यस मैम ठीक है मतलब ये जैसा होगा अगर मैं देखूं तो ये ऐसा कुछ कनेक्ट होगा और उधर भी होगा कुछ ऐसा पार्ट कनेक्ट होगा समझ रहे का मतलब ये जो है ये लंबाई उधर भी होगी ये ऐसा है इधर है और इस साइड भी होगा यहाँ पे ऐसा ठीक है इतना ही पार्ट क्या है टेबल के कॉन्टेक्स्ट में है वो हम एरिया कितने का निकालेंगे इतने का निकालेंगे तो ये आपको रेक्टेंगल जैसा नहीं दिख रहा है क्योंकि देखिए स्क्वायर होता तो सारी साइड क्या होती बराबर होती लेकिन एक तरफ क्या है 20 और बी क्या है 10 मतलब ये क्या आपका रेक्टेंगल और हमें पता है रेक्टेंगल का जब एरिया निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है एल इंटू बी मतलब लेंथ इंटू बी फॉर्मूला भी रख दीजिए लेंथ कितनी है 20 ठीक है बी कितनी है 10 चलिए कितना होता है आपका 200 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है तो क्या होगा बेटा आप यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है लेकिन हमें किसमें चेंज करना पड़ेगा इसको मीटर में ठीक है तो मीटर स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा तो कितने से डिवाइड करेंगे 10,000 से ठीक है 10,000 से करेंगे तो 0 से 0 0 से 0 जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा
ओके हमने ये वाले फॉर्मूला निकाल लिया कि कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था लेकिन अभी इसका भी तो निकालना है ठीक है सेम ही बॉक्स थे लेकिन वो कैसा था ऐसा स्टैंड था अब क्या कर दिया उसको ऐसा कर दिया ठीक है ना सेट करने में कर दिया तो चलिए अब करते हैं अब निकालते हैं तो इसका डायरेक्शन क्या होगा देखिए ये क्या आएगा ये नीचे का पोर्शन प्रेशर ज्यादा मतलब फोर्स ज्यादा
क्या चीज आ गई, तो प्रेशर हम पढ़ चुके हैं। फ्लूइड ही क्या होता है कोई मुझे बता सकता है यहाँ पर बैठे हुए? ओके राजवर्धन, देखिए मैं आपको बता क्या होता है बेटा। फ्लूइड मीन्स सभी लोग क्या बोलते हैं कि फ्लूइड मीन्स लिक्विड है ना, तो ये जो है एग्जैक्टली राइट नहीं। फ्लूइड मीन्स लिक्विड नहीं होगा, सिर्फ फ्लूइड के मतलब लिक्विड के साथ साथ गैस भी, मतलब फ्लूइड मतलब क्या, तो सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो इजीली, ऐसा सब्सटेंस बेटा जो इजीली क्या हो जाए, फ्लो हो जाए। तो लिक्विड तो फ्लो हो जाएगा, वाटर फ्लो हो जाएगा, मिल्क फ्लो हो जाएगा, ऑयल फ्लो हो जाएगा है ना, तो लिक्विड तो फ्लो हो जाएगा साथ ही साथ गैसेस भी तो इजीली फ्लो हो जाएगी है ना। तो फ्लूइड का भी सिर्फ लिक्विड से नहीं है, फ्लूइड में क्या आती है लिक्विड भी होगी और गैसेस भी। क्लियर है बेटा? क्या बोला मैंने, प्रेशर आप लोग पढ़ चुके हैं। फ्लूइड मतलब क्या, ऐसी ऐसा सब्सटेंस जो इजीली फ्लो हो जाए। तो इजीली क्या फ्लो होगा, अभी मैंने चॉक रखी है तो ये फ्लो होगी क्या? नहीं। अभी मैं यहाँ पे पानी वाटर गिरा देती तो मेरे हाथ से फ्लो हो जाता, ठीक है। गैस होती है ना, गैस मान लीजिए स्मोक होता है ना, अगरबत्ती लगाते हैं ना, इसलिए क्या हो जाता है फ्लो हो जाता है ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे फ्लूइड। इतना समझ में आया बेटा? ठीक है, तो अब बात ये आ रही है कि इस पूरी लाइन का मतलब समझ लें कि प्रेशर इन फ्लूइड मतलब वाटर में भी प्रेशर लगता है और गैस में भी प्रेशर लगता है, ठीक है। समझ में आई बात, प्रेशर इन फ्लूइड मतलब अभी तो हमने नॉर्मली समझ लिया कि प्रेशर क्या होता है, लेकिन अब हम क्या समझेंगे कि वाटर में कैसे प्रेशर लगता है, है ना। वाटर मतलब लिक्विड में कैसे प्रेशर लगता है, फ्लूइड में कैसे प्रेशर लगता है। तो वी हैव 6 मिनट, तो हम फटाफट फिनिश करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए बेटा एक कंटेनर है, ठीक है, अब इसमें क्या है, वाटर है। ओके बेटा ये वाटर है, अब कंटेनर मान लीजिए, वाटर बॉटल मान लीजिए, अब घर पे ट्राई कर लीजिएगा अगर फ्रेश वाटर वाटर हो, तो हमने क्या किया इसे पूरा फिल कर दिया वाटर से। सबसे पहले मैंने यहाँ पर खोल दिया, खोल क्या ऊपर तक भरा है ना कंटेनर, आप वाटर बॉटल भी देख सकते हैं, अब ऊपर तक फिल है। फिल होने के बाद अब इसमें से क्या होगा, मिस क्या होगा, खोल कर दिया तो पानी भी बाहर आएगा, पानी बाहर आएगा तो पानी कैसे बाहर आएगा, चलिए यहाँ से बाहर पानी का नाम। ओके अब मैंने इसके नीचे खोल कर दिया, अब मुझे बताइए पानी का प्रेशर कितना होगा, ज्यादा होगा और क्या होगा, इधर आ जाएगा। ओके अब क्या किया मैंने, नीचे एक बार होल कर दिया, ठीक है, अब क्या किया यहाँ पर, अब बताइए प्रेशर क्या होगा, और ज्यादा होगा और ज्यादा होगा। इनके एंगल देख रहे हैं आप, पहला वाला होल था उसमें फ्लो कैसा था, यहाँ पर फ्लो ज्यादा स्पीड में, सॉरी नीचे वाला जो होल है वो क्या होगा, ज्यादा स्पीड में फ्लो होगा, ठीक है। तो क्या होगा, ऐसा क्यों हो रहा है, है ना, ऐसा क्यों हो रहा है, तो एक बात समझिए, फ्लूइड में क्या होता है बेटा, जो प्रेशर लगता है ना वो चारों तरफ लगता है, चारों तरफ मतलब मीन्स चारों तरफ के साथ। अभी मैं कोई नॉर्मल की बात करूं तो नॉर्मल में काम फोर्स कर रहा है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, ओके, लेकिन फ्लूइड में ऊपर भी लगेगा, नीचे भी लगेगा, इधर भी लगेगा और इधर भी लगेगा, ठीक है। मीन्स ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो आपने बताया नहीं, तो मेरी एक बात समझिए, ठीक है। अगर मान लो इसको थोड़ा सा मैं क्लीन करूँ, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, तीन लेवल में डिवाइड कर लूं, ये पहला लेवल, ये दूसरा लेवल और तीसरा लेवल, ठीक है। अब मैं अगर बोलूं इसके ऊपर पेट की बात करूं,
ना वेट की बात करूं तो इसके ऊपर क्या है एक ये वेट है वेट को मैं डब्ल्यू से कर दिया और ए ये वेट तो इस वाले मतलब मान लीजिए ए लेवल ए लेवल पे मैं अगर पूछूं कि वेट कितना लग रहा है तो आप बोल सकते हो टू डब्ल्यू मतलब दो बराबर वेट लग रहा है ठीक है वेट लग रहा है मतलब फोर्स लग रहा है अब इससे फोर्स लग रहा है इसका वेट ज्यादा है फोर्स लग रहा है तो प्रेशर ज्यादा होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा मतलब क्या हुआ ज्यादा वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है अब मैं यहाँ पर बात करूँ तो मैम वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा मैम वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा ब्लैक बोर्ड ब्लैक बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है तो क्या इतना क्लियर है आप सभी को ठीक है अब कल मिलते हैं।